हेलो हेलो सोफिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय कोमल, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कोमल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आओ बैठो, तो बात तो कर रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? देखो कोमल, तुम तो जानती हो कि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं और कभी उन गलतियों से सबक हासिल करने की कोशिश नहीं की। ओफो, गलतियां इंसानों से तो होती है। देखो कोमल, मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी की बिगड़ी हुई तस्वीर एक बार फिर से पहले की तरह हो जाए, उसके बिखरे हुए रंग और पुरानी खूबसूरती एक बार फिर से लौट आए। इस बार मैं उसकी बहुत कदर करूंगी और उसका बहुत ख्याल रखूंगी। सोफिया, जब कोई तस्वीर खराब हो जाती है तो उसके सारे रंग बिखर जाते हैं। कभी कभी तो उसका एक रंग भी हम नहीं पहचान सकते। प्लीज कोमल, देखो तुम तो जमशेद से मिलती हो ना, वो तुम्हारी बहुत कदर करता है, वो जरूर तुम्हारी बात मानेगा। प्लीज प्लीज तुम उसे बताओ, उसे समझाओ कि सोफिया वो सोफिया नहीं है, सोफिया बदल चुकी है। मैं अब उससे कभी नहीं लड़ूंगी। मैं तुम्हारे और उसके ताल्लुक को कभी शक की नजर से भी नहीं देखूंगी। मैं उसे एक शौहर की इज्जत दूंगी और उसे टूट के मोहब्बत करूंगी। लेकिन प्लीज एक बार फिर मुझे अपना ले। अरे मैं तुम्हारे चाय बनाना तो भूल ही गई। नहीं कोमल, मैं चाय पीने नहीं आई, मैं सिर्फ इसलिए वादा लेने आई कि तुम प्लीज एक मरतबा जमशेद को मेरे पास आने पर मजबूर कर दो। कोमल, तुम ही मेरी दोस्त हो, तुम ही मेरा ये काम कर सकती हो। प्लीज कोमल, कह दो कि तुम ये कर दोगे। प्लीज कोमल एक बार। अच्छा मैं तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। हाय सोफिया। हाय शुभम। हाँ तो फिर कोमल ने क्या जवाब दिया? उसने क्या जवाब देना है, वो एक हमदर्द इंसान है, वो मेरी तकलीफ को समझ गई है। मुझे यकीन है कि वो जमशेद को मेरे पास आने पर जरूर मजबूर करेगी। पहले की बात तो और थी, पर आप शायद वैसा ना करें। क्यों नहीं करेगी, उसे करना पड़ेगा। मेरी जमशेद मिर्जा से मुलाकात हुई थी। तो उसने कोई बात की? उसने बताया कि वो बहुत जल्द कोमल से शादी करने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये सच नहीं हो सकता। और ये उनका मुश्तरका फैसला है। कोमल ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। हो सकता है, बताना जरूरी ना समझाओ। कर्ज करने से कोई फायदा नहीं, इन हालात में तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा। ये नहीं हो सकता और ना ही मैं ये होने दूंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मामला ठीक हो जाए। तुम क्यों नहीं कोमल से बात कर लेते? हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। देखो शुभम प्लीज, जो भी हो सकता है प्लीज तुम करो। मैं जमशेद को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती हूँ।
ठीक है, मैं कोमल से जाके मिलता हूँ, फिर वो जो कुछ कहेगी I'll let you know. All right? मैं चलता हूँ. I'll get back to you. All right? My roommate. अच्छा. She's into architecture and designing. बैठे. Thank you. आप कैसे रास्ता भूल गए? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है. तो आप मुझसे मिलने नहीं आए? मिलने ही तो आया हूँ. लेकिन एक जरूरी बात लेके. कहिए. कोमल, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, जबकि मुझे मालूम है कि तुमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, कितने गम खरीदे अपने लिए. तुम एक आम लड़की नहीं हो कोमल, मगर कहते जाए, मैं सुन रही हूं. मैं तुमसे एक और कुर्बानी की दरख्वास्त करने के लिए आया हूं. क्या सैक्रिफाइस के लिए मैं ही रह गई हूं? आप खुद सोचकर फैसला कीजिए. क्या मेरे से आज ज्यादती नहीं हुई? तुम ठीक कहती हो, मगर सोफिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. तुम तो उसकी दोस्त भी रह चुकी हो, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं है? मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए हमदर्दी ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. उसे अपनी जिंदगी संवारने का एक मौका तो दो. तुम जमशेद मिर्जा से शादी करने से इनकार कर दो. How can you even say that? आपको एहसास है कि आपका दोस्त कितनी अजियत से गुजर चुका है? आपकी सोफिया ने उसको कितना जलील किया? सोफिया जैसी औरत कभी किसी को खुश नहीं रख सकती. तो तुम शादी करने से इनकार नहीं करोगी? पहले इनकार के बाद मैं बहुत पछता चुकी हूं, अब मैं दोबारा पछताना नहीं चाहती. I've had enough of this discussion. Please talk, just leave. गवाहों के बयानात और शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मास्टर शर्जील बद जमशेद मिर्जा को उसके वालिद के हवाले किया जाए. अदालत ये समझती है कि बच्चे की मां सूफिया बद राशिद जफर खान बच्चे की निगहदाश्त करने की अहल नहीं. राशिद जफर खान ने जो बयान दिया है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि सूफिया बहुत लापरवाह है और बच्चे की देखभाल करने वाली औरत नहीं है. वो बच्चे को मुलाजमों के रहम व करम पर छोड़कर खुद घूमती रहती है. इसलिए अदालत ये फैसला करती है कि मास्टर शर्जील को इसके वालिद जमशेद मिर्जा के हवाले किया जाए, क्योंकि वो एक मिसाली बाप बनने की सलाहियत रखता है. ताहम अदालत माँ के जज्बात का एहतराम करते हुए इसे हफ्ते में एक पूरा दिन बच्चे के साथ गुजारने की इजाजत देती है. मैडम, वो मैं बताने आया था कि हम केस हार गए. केस हार गए? ये कैसे हो सकता है? मैंने आपको किस लिए रखा, क्या कर रहे थे आप? मैडम, आपके फादर के बयान के बाद हमारा केस बहुत कमजोर हो गया था. आप वकील हैं, केस कमजोर हो या जैसा भी हो उसको संभालना आपका काम है. क्या मतलब है आपका केस कमजोर था, केस हार गए? काम तो प्लीज, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आप जब ये केस नहीं कर सके तो आप सुप्रीम कोर्ट में खाक अपील करेंगे? चले जाएं आप, प्लीज चले जाएं यहां से. मैं आपको नहीं देखना चाहती हूं, चले जाएं. क्या जवाब दिया आपने? तुम बोलते क्यों नहीं हो? लगता है बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा. ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे हौसला दिया करते थे. और अब मैं कह भी क्या सकता हूँ? कोमल ने साफ जवाब दे दिया है कि वो
जमशेद मिर्जा को दोबारा खोना नहीं चाहती। मुझे मालूम था वो यही कुछ करेगी। पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया। उसे शादी करने के बाद भी जमशेद मिर्जा कोमल को नहीं भूला था। वो उसको भी जरूर उससे मिलता रहा होगा। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी खुदगर्ज नहीं रहा। वो खुदगर्ज था और उसने मुझे अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा दिया था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुमसे अलहदा होना था तो ये शादी का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें तबाह करने का उसे कोई हक नहीं पहुंचता। उसकी असलियत तो अब खुली है ना। तो ये तुम, डॉक्टर शोएब रजा मेरा बेहतरीन दोस्त है। अब समझ में आया कि मेरी जिंदगी तबाह कैसे हुई। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मेरी गलत फहमी तो अब दूर हुई है। तुम ही हो जो सोफिया को भड़काते हो। और इस वक्त भी तुम यही काम कर रहे थे। हाँ जमशेद, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोफिया तुम्हारे सामने बैठी है, पूछो इससे। अरे पूछो इससे, इसकी जिंदगी मैंने तबाह की है या खुद इसने। तुम बैठ नहीं सकते। मैं यहां बैठने नहीं आया। मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया है। अदालत के फैसले के मुताबिक मास्टर शर्जील को उसके बाप के हवाले कर दिया गया। नहीं, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं ले जाने दूंगी। आप इसका बैग तैयार करें। तुम शर्जील को नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। चीफ से कुछ नहीं होगा। हम केस लड़ेंगे, डोंट वरी। हम केस लड़ेंगे, तुम्हें अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। शोएब, मैं इसे अपना बच्चा नहीं ले जाने दूंगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वकील साहब, आप बच्चे को ले जा सकते हैं। तुम यही कर रहे हो। सुफिया, जमशेद मिर्जा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, समझे तुम? और तुम्हें फिक्र क्या है? तुम्हें यहाँ छोड़े जा रहा हूँ इसके आंसू पोंछने के लिए। जमशेद, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं लेने जाने दूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। वो शर्जील को नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ मेरा बच्चा है। हम केस लड़ेंगे ना, काम दम, बैठ जाओ। हम केस लड़ेंगे, काम दम। हम केस लड़ेंगे, डोंट वरी। कोर्ट ऑर्डर लेकर आया है, वो समझने की कोशिश करो। नाराज हूं बैठने के लिए नहीं कहूंगा। यहां बहुत सी कुर्सियां खाली हैं, जहां दिल चाहता है वहां बैठ जाओ। ठीक है, मैं खुद ही बैठ जाता हूं। जमशेद, तुमने जो कुछ भी देखा और सुना वो गलत था। मैं तो सूफिया को सिर्फ इनकरेज कर रहा था। मैंने जो कुछ सुना या जो कुछ देखा वो सब दुरुस्त था। मुझसे अपनी जिंदगी में सिर्फ दो गलतियां सरजद होंगी, एक सूफिया जैसी हट धर्म लड़की से शादी करके और दूसरी तुम जैसे आदमी से दोस्ती करके। तुम जैसे लोग अपने दोस्तों की कमर में छुरा ठोकते हैं। काश कि मैं तुम्हें यकीन दिला सकता। मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम पहले वाले जमशेद नहीं हो, बिल्कुल बदल चुके हो तुम। हाँ, मैं तब्दील हो चुका, क्योंकि यही मेरे लिए दुरुस्त है। एक दफा तुम्हारे कहने पे मैंने उस जिद्दी और हठधर्म औरत से शादी की थी। ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता।
मैं सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, सुकून की। मगर तुम्हारे सुकून की बुनियाद में सूफिया की सिसकियां और आंखें भरी हैं। Why don't you see that? I don't care. अगर ये है तो यूं ही सही। मैं जा रहा हूं। I'm so glad you came. मैं अपनी कजन से नहीं, अपनी दुश्मन से मिलने आई हूँ। कुमन बदजात तो तुम हमेशा थी, लेकिन मेरी कजन होकर तुम इतना गिर सकती हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने कब मुझे अपना कजन समझा? अच्छा, इसलिए बरसों तक मेरे घर में रही। भूल गई हो तुम? भूल गई हो जब तुम बिल्कुल छोटी सी थी, जब तुम्हारे मम्मी पापा का इंतकाल हो गया था, तुम यतीम हो गई थी, बिल्कुल बेसहारा। तब मेरे डैडी ने तुम पे रहम करके, तरस खाकर तुम्हें अपने घर ले आए। मैं उनके सगे भाई की बेटी थी और वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। जानती हूँ, सब जानती हूँ। उस वक्त से ही तुम मुझसे जलती हो, तब से जलती रही हो तुम मुझसे। हमेशा मेरा जगह लेना चाहती थी। पहले तो तुमने अपनी झूठ और मक्कारी के जरिए डैडी के दिल में जगह कर ली, और फिर मेरा शौहर मुझसे छीन लिया। मैंने तुमसे तुम्हारा शौहर नहीं छीना। हाँ, वो मुझे पसंद करते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। But I turned him away, Sophia, so he could go and marry you. कितना झूठ बोलती हो तुम। यही सच है सोफिया। जमशेद हमारे घर तुमसे मिलने नहीं, मुझे देखने आया करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। He never loved you. वो सिर्फ अपनी हमदर्दी के जाल में फंसता चला गया। बहुत ही झूठी और मक्कार हो तुम। कोमल, तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, और वो ज्यादती ना मैं कभी भूलूंगी ना ही तुम्हें कभी भूलने दूंगी। ज्यादती? ज्यादती तो तुमने खुद अपने साथ की थी। जब उसने तुमसे शादी कर ली तो तुमने उसकी जिंदगी में जहर क्यों घोल दिया? इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करती थी। तुम्हारी शादी के बाद हमारे कोई ताल्लुक नहीं रहे थे। जानती हूँ, सब जानती हूँ तुमने और तुम्हारे झूठ को। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी कमीनगी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। पता था कि तुम कितनी कमीनी हो। जंजीर हमारे पास कितना खुश है ना? और सूफिया के पास तो हर वक्त डरा हुआ सहमा रहता था। उसे तो इस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं था। अब हम शर्जील को खूब खिलाएंगे, खूब सैर कराएंगे। भाई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाएगी। देखते हैं तुम इसे कैसे निभाती हो। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे भाई, इतनी नासमझ भी ना बनो। एक शर्जील और एक शर्जील का बाप, अब तुम्हें इन दो बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे तो अब तक ये सब ख्वाब लग रहा है। आंखें खोलो कोमल, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। कुदरत शायद हमारा इम्तिहान लेकर हमें मिलाना चाहती थी। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। छ
ट्रस्ट मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, सोफिया मेरे पास आई थी। सोफिया आई थी? उसका पागलपन अब तक ठीक नहीं हुआ? She is mad. वो अभी तक ये समझ रही है कि मैं तुम्हें उससे छीना है। जब मैं उसका था वो तब भी यही समझती थी कि मैं तुम्हारा हूं। मैंने पूरी खलूस के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ रहना चाहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ सकी। अच्छा डोंट बी सिली, मूड नहीं खराब करो, जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। बाय द वे कोमल, तुम्हें ये सुन के बहुत हैरत होगी कि डॉक्टर शोएब और सोफिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। कब से है ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है। लेकिन डॉक्टर शोएब ऐसे लगते थे, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अरे भाई मैंने खुद सुना है। अच्छा एनीवे बीबी, जमशेद साहब आए। उनको यहीं भेज दो। तुम अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई? क्या जरूरत थी कोमल के पास जाने की? मैं तो सिर्फ उसे मिलने गई थी। जानता हूं तुम वहां क्यों गई थी। अपने बाप के किए हुए एहसानात का बदला लेने के लिए गई थी, उससे उसकी कीमत वसूल करना चाहती थी तुम। अरे और कितना लोगी उससे, सब कुछ तो उसने तुम्हें दे ही दिया है, यहां तक कि अपने अपने प्यार को भी उसने तुम्हारी झोली में डाल दिया। लेकिन तुम एक पागल लड़की हो, सिर्फ पागल, जिसने अपने हाथों से अपने घर को तबाह किया। मुझे मालूम है उसने तुम्हें भड़काया है मेरे खिलाफ। एक्सक्यूज मी, मैं कोमल के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। तुम आज के बाद कोमल से मिलने के लिए नहीं जाओगी। और हाँ एक और बात, तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ शर्जील है हमारे बीच में, और तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। नहीं जमशेद, प्लीज जमशेद, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ जमशेद, प्लीज जमशेद। देखो मैं जानती हूँ मैंने कई बार तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज्यादतियां की मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन अब मुझे उनका एहसास है, उनका कुफारा अदा करना चाहती हूँ। प्लीज जमशेद, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं वो सब कुछ बदल दूंगी, I promise। नहीं सोफिया, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ बाकी नहीं है। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, इनको साइन कर दे। गुड बाय। जमशेद नहीं, जमशेद यू कांट डू दिस, जमशेद प्लीज वापस आ जाओ, जमशेद प्लीज। शर्जील को सोफिया के पास वापस ले जा सकते हैं? After all, वो उसकी माँ है और मेरी कजन भी है, and I know her so well. मैं उसकी जज्बात को समझ सकती हूँ। तुम ठीक कहती हो, मैंने भी कई बार सोचा है, वो जो भी है जैसी भी है आखिर है तो इसकी माँ। मेरा क्या है, मैं तो बाप,
और बाप बच्चों के बगैर भी रह लेते, लेकिन वो उसके बगैर नहीं रह सकती। हेलो सूफिया, कैसी हो? मैं काफी देर से फोन कर रहा था। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम रो रही थी क्या? हाँ, इसलिए कि मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई है। डैडी का इंतकाल हो गया। जमशेद मिर्जा जिसे मैंने टूट कर चाहा था, वो मुझे छोड़कर चला गया। और अब तो मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं रहा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं है सूफिया। Nobody is perfect। हम सब अधूरे हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी की जात का हिस्सा बनते हैं, तब जाकर हम मुकम्मल होते हैं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? As long as you realize what you've lost, तुम एक मर्तबा फिर किसी की जिंदगी में शामिल हो सकती हो, किसी की जात का हिस्सा बन सकते हो तुम।